यशोमति मैया के नंदलाला। अरे चंद्रदेव कहाँ गए? अवश्य बादलों के पीछे छुप गए होंगे। प्रकाश तो इधर से आ रहा है, पर चंद्रदेव कहाँ है? तो बताइए कौन है वो मेरा विशेष भक्त? संकोच मत करो, सामने आओ। मैं देखना चाहता हूं अपने उस विशेष भक्त को, गले लगाना चाहता हूं। अकला सर, तो तुम हो मेरे वो विशेष हितैषी? अरे मेरे मित्र, वहां क्यों खड़े हो, इधर आओ। मुझे देख लिया ना अच्छे से अकला सर, अब पहचान भी लो। हो गए मृत्यु के दर्शन अकला सर, संतुष्ट होना। नाम प्रभु। प्रभु, मेरा नाम तो कृष्ण है। आप चाहे तो अन्य सभी की तरह मुझे कान्हा बुला सकते हैं। कान्हा? वैसे आप कौन हो? चंद्रदेव को कहाँ छुपा दिया? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले मिल चुके हैं? मैं ही तो चंद्र हूँ कान्हा, वही चंद्र जो वर्षों से बस दूर से आपके दर्शन कर रहा है। मैं आपको अपने झरोखे से दिखता था प्रतिदिन, इसके लिए आप मुझे जाने पहचाने लगे। ये ध्वनि तो कान्हा की है, है कहाँ वो? जानते हो चंद्रदेव, आपका प्रकाश मेरे खटिया पे पड़ता है, पर कभी कभी तो आप मेरे मुंह पे चमकते हो। बातें किससे कर रहा है? कोई और है जिसे कंस से मिलना है। यदि अगली बार
किसी ने भी मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश भी की तो इस दृश्य को स्मरण करना और स्मरण रखना, कोई भी मेरी महारानियों से प्रश्न करने का दुस्साहस नहीं करेगा। बीते वर्षों में जैसा हुआ आगे भी वही होगा। मेरी अनुपस्थिति में सारे आदेश मेरी महारानियां देंगी और तुम सब उनकी आज्ञा का पालन करोगे, वो भी शीश झुका के। और यदि किसी ने भी मेरी महारानियों के आदेश का उल्लंघन किया तो उसकी यही दशा होगी। मनोहर, जाओ और पूरे मथुरा में इसके मृत तन की प्रदर्शनी करो ताकि सबको पता चल जाए कि मथुरा नरेश महाराज कंस अभी जीवित हैं और उनका क्रोध भी। धन्यवाद प्रभु, आज आपने मुझे अपने पास बुलाने की इच्छा प्रकट की। ये सौभाग्य था मेरा, इसे व्यर्थ कैसे जाने देता, इसलिए चला आया आपके पास, आपके दर्शन इतनी निकट से करने। कान्हा, कहाँ है तू? यही हूँ मैया, चंद्रदेव से बातें कर रहा हूँ। कहाँ है तेरे चंद्रदेव? यही मेरे सामने। चल। महाराज कंस ने हरे दरबार में अपने सभासद मित्र की हत्या कर दी, वो भी इसलिए कि वो अभागा तपस्या में लीन महाराज के दर्शन की मांग कर रहा था। देवकी, देवकी, उठो देवकी, 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 तुम्हें क्या हो गया? उठो देवकी, उठो। चंद्रदेव वहां है। पल भर को मुझे लगो आप कान्हा के सामने हाथ जोड़ रहे हो। नहीं, वो मैं तो... हाँ हाँ, पतो है मुझे, आप चंद्रदेव को प्रणाम कर रहे थे। सब आ जाओ चंद्रदेव के दर्शन के लिए। प्रणाम कर लल्ला। चंद्रदेव के दर्शन हो गए, अब चलकर अश्विन पूर्णिमा के खीर का प्रसाद ग्रहण कर लो। सबसे पहले खीर मिलेगी बालकों को। कान्हा, तेरी टोली कहाँ है? मैया, मेरे सब सखा तो सो गए। सब नहीं सोए कान्हा, मैं जाग रहा हूँ। छोटी माँ, आपने कहा था ना कि कान्हा का ध्यान रखना। जब आप कान्हा को अपने साथ ले गई थी तब मेरी आँख लग गई थी। कोई बात ना है बलराम, तूने पूरी रात इसका ध्यान रख के जिस सिद्ध कर दियो है कि तू बहुत अच्छा दाऊ ही ना, बहुत अच्छा बालक भी है। मैया, अच्छा बालक क्या फोटो है?
क्या मैं अच्छा बालक ना हूँ? तू और तेरे प्रश्न। बहुत समय हो गया लल्ला, घर ना चलना है। चल चल आजा। मैया बताओ ना, अच्छा बालक किसे कहते हैं? कितनी रात हो गई है लल्ला? अभी विश्राम कर, गहरी नींद सो जा। कल जो पूछना है ना सब पूछ लेना, मैया सब बता देगी। अभी विश्राम कर। मैया कल रात के जागरण के बाद थको ना तू? इतनी सुबह उठ गयो? आप भी तो उठ गई मैया, इतनी से ये कार्य भी करने लग गई। अब अपने कान्हा के लिए मैया माखन ना निकालेगी तो कौन निकालेगा भला? लाओ मैया, अब मैं करता हूँ। इतनी देर से कर रही हूँ, थक गई होगी ना। प्रयास करनो है। रुक जा लल्ला। हाँ। अरे वाह, कान्हा ने तो बड़ी शीघ्र ही छाछ मतना सीख लियो। हाँ, सप्ताह भर तक मथेगो तो थोड़ा बहुत माखन तो आ ही जावेगो। बड़ी हंसी आ रही है तुम सबको, छोटे से बालक का उपहास उड़ा के। अपना कार्य करो सब। कितना अच्छा है मेरा लल्ला, कितना बुद्धिमान है। मैया ने कही भी ना, फिर भी मैया की सहायता करने आ गया। ऐसे ही होते हैं अच्छे बालक। तूने पूरी रात इसका ध्यान रख के जिस सिद्ध कर दियो है कि तू बहुत अच्छा दाऊ ही ना, बहुत अच्छा बालक भी है। मैया, अच्छा बालक किसे कहते हैं? आपने की थी ना, अब सुबह बताओगी, अब बताओ ना। जो सदैव अच्छे कार्य करे, सबका भला सोचे, बड़े बूढ़ों का आदर करे, उनका सम्मान करे, अच्छा बालक उसे ही कहते हैं। अच्छा कार्य करे और सबकी सहायता करे और सबका आदर करे और बड़े बूढ़ों की सेवा करे, जे कभी मत भूलियो कान्हा, जे बहुत आवश्यक गुण है। फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल, फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल। हे लक्ष्मी नारायण, अच्छा बालक बनने के लिए बड़े बूढ़ों की सेवा करना बहुत आवश्यक है। मैं समझ गया मैया। मेरा लल्ला। यशोदा जी, ओ यशोदा जी, कहाँ चल दी हो लल्ला? अतिथि की सहायता करने। संभाल के। ठहरो चाची, मैं सीढ़ी चढ़ने में सहायता करने आयो हूँ। बड़ा आयो सहायता करने वालों, सीढ़िया में स्वयं चढ़ सकती हूँ। Thank you.
मैया ने कही जो अच्छा बालक हतो है बड़े बूढ़ों की सहायता करतो है। क्या कही तूने? बड़े बूढ़ों की सहायता? देख काना, मैं बड़ी तो होवस्य हूँ पर बूढ़ी ना हूँ, समझ में आई? यशोदा जी, भगवान भला करे तुम्हारा, बहुत सहायता। बूढ़ी हो गई हूँ मैं, कुछ न कुछ भ्रम होता ही रहता है। इस गोकुल में अनजान बुढ़िया की कौन सहायता करेगा? यशोदा जी, आओ सुलक्षणा, आप लल्ला को समझा दो, मैं कोई बूढ़ी थोड़ी ना हूँ। क्या हुआ? मैया, मैं तो सुलक्षणा चाची को सीढ़ी चढ़ने में सहायता कर रहा था, बस अच्छा बालक बनने का प्रयास कर रहा था। यशोदा जी, मैं आपसे ये पूछने आई थी कि थोड़ा दूध मिलेगा? जे क्या है ना, आज मेरे गैया का सारा दूध बछड़ा पी गयो, कुछ बचो ही ना। हाँ हाँ, मिलेगो, क्यों ना मिलेगो, बहुत है यहाँ। बस आधी मटकी पर्याप्त है। आधी मटकी तो आप भी जाओगे चाची? मेरे सखा वसंता के लिए भी तो ले जाओ। हाँ तो पूरी मटकी दे दो। ये दोनों भी यही है? तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी, बड़ा आयो अच्छा बालक। हे नारायण, आज सुबह से एक भी फल ना बिको है। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन सदैव की तरह मैं आपके लिए सबसे अच्छा फल चुन के लाई हूँ। मिर्ची लग गई मेरी आँख। मिर्च लग गई। इस दिए में घी तनिक कम है, परंतु आप जानते हो कि इस बुढ़िया के हृदय में आपके प्रति श्रद्धा तनिक भी कम नहीं है। मैं जानती हूँ कि माटी का दिया थोड़ी देर में बुझ जाएगा और ये हार्ड रक्त का शरीर भी गिर जाएगा, लेकिन मेरे प्राणों में आपकी भक्ति का दिया हमेशा जलता रहेगा। वो लौ कभी नहीं बुझेगी प्रभु, कभी नहीं बुझेगी, हमेशा जलती रहेगी वो लौ। अरे कान्हा, तेरी फूंक से तो मेरी आँख सच में ठीक हो गई। अब तो मैं अच्छा बालक हूँ ना, सच्ची बताना। हाँ, तू बहुत अच्छा बालक है। बंसी जी, खाट बिछाओ।
कुछ व्यक्ति मुझसे मिलने आ रहे हैं, उपनंद भैया ने कही है। जी शीघ्रता करो। अरे इनकी बैठक होने वाली है, मैं वस्त्र लेके आती हूँ। मैं लेकर आती हूँ ना? ना वो सुलक्षणा को जलपान करा, मैं लाती हूँ। ठीक है। लगता है जितो भोजो लाए थे उतो ही वापस ले जाना पड़ेगो। मैं सहायता करूंगा मैया।